नमस्कार, आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं स्पीड न्यूज से। दिल्ली रोड स्थित लोको शेड पुल के नीचे तालाब का निरीक्षण करने पहुंची नगर निगम की टीम। तालाब का सौंदर्यीकरण कर बनाया जाएगा पिकनिक स्थल। मझौला थाना क्षेत्र में चोरों ने फैक्ट्री कर्मी के घर को बनाया अपना शिकार। चोरों ने फैक्ट्री कर्मी के घर से ज्वेलरी सहित नकदी की चोरी की। मुंडापाटी थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों के साथ लगाई चौपाल। डीएम और एसएसपी ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम मंदिर में हुआ सुंदरकांड पाठ। सुंदरकांड पाठ एवं हवन पूजन के पश्चात देवी देवताओं की आरती की गई। कलेक्टर सभागार में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संबंध में आयोजित की गई बैठक। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। श्रीमद भगवत कथा के अष्टम दिवस की कथा में सुदामा चरित की कथा का किया गया वर्णन। कथा के बीच गाए गए भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर झूम। राजा साहब की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम किया गया आयोजित। राजा साहब के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि की गई अर्पित। भगवान श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा से इस्कॉन मुरादाबाद ने लगाया अन्नदाता सेवा का शिविर। राहगीरों को खिचड़ी के प्रसाद का किया गया वितरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता और सांसद आजम खां को शत्रु संपत्ति मामले में दी जमानत। अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे आजम खां। शहर में दौड़ रहे अनफिट वाहनों को लेकर आरटीओ विभाग आया काफी संजीदा नजर। आरटीओ विभाग ने 391 अनफिट वाहनों को फिटनेस के लिए भेजे नोटिस। हिंदू युवा वाहिनी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्टर पर हुए इकट्ठा। कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा मांगों का एक पत्र। कलेक्ट्रेट सभागार में सोशल फाउंडेशन के तत्वधान में हुआ कार्यक्रम। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी रहे मौजूद। बिलारी क्षेत्र के रहने वाले मयंक चौधरी ने बनाया हरियाणवी सॉन्ग। मयंक चौधरी ने किया क्षेत्र का नाम रोशन। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। किसानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन। रामपुर के विधायक और जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति आजम खां की बड़ी मुश्किलें। ईडी की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची जौहर यूनिवर्सिटी।